पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं ये नहीं कहता कि आप हजरात दरूद नहीं पढ़े, पढ़े, लेकिन जिस शौक़ के साथ पढ़ना वैसे नहीं पढ़े। मैं एक दो तीन मरतबा दुरूद पढ़ाता हूँ, मेरे साथ आप भी दुरूद पढ़ें, इंशाल्लाह उसकी रहमतों और बरकतों का फैज़ लेकर आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना नहीं खाए? अरे खाना खाए नहीं खाए? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। खाए? आज दावत का इंतज़ाम भी था माशाल्लाह, उसमें गोश्त था। हाँ, गोश्त खाकर मुसलमान की आवाज़ ऐसी है? पूरे दम के साथ पढ़ो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक जोर से नहीं पढ़ेंगे, पूरी रात दुरूद पढ़ाता रहूँगा, मौलाना सालिम का वक़्त भी मैं ले लूँगा, चाहे मेरी फ्लाइट छूट जाए कोई बात नहीं। आज देखेंगे कि क्या गांव का नाम है, धनसरपुर। इसके लिए तो दो दिन लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। धनसरपुर के मुसलमानों के अंदर कितनी हिम्मत, ताकत, जुर्रत, शुजाअत, आवाज़ है, आज मैं ये देखना चाहता हूँ। पहले दुरूद, जब तक आप शौक से आवाज़ें बुलंद नहीं पढ़ेंगे, दुरूद ही पढ़ाता रहूँगा, ना नुकसान मेरा है ना नुकसान आपका है। क्या दिल साहब, बात सही है गलत है? आप मत डरिए, इंशाल्लाह आपके लिए वक्त निकाल लूंगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हल्का हल्का पावर पैदा हो रहा है। असल में खैराबादी साहब, मुसलमानों के पास पावर था, पावर है, पावर रहेगा, लेकिन बार बार चार्ज करना पड़ता है। चार्ज ना करें, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कंपनी ने होल्डर दिया, उम्मत को चार्ज करने के लिए अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में उलमा को पैदा किया। अगर उलमा है उम्मत है, उलमा नहीं उम्मत नहीं, काउंसलर हो या ना हो, एमएलए हो या ना हो, एमपी हो या ना हो, सीएम हो या ना हो, पटेल हो या ना हो, एक मर्तबा सेट आफ्टर आउट, अंडरस्टैंड, एक मर्तबा सेट करना। मुझे ये न्याय भी हो तो कोई फर्क नहीं होगा, छोड़िए, एक मर्तबा सेट करना। मैं खुद सिस्टमर हूं, इसलिए सिस्टमर बन गया मौलाना। मैं मेरा वक्त जितना माइक के सामने गुजरा, उतना तो मेरी बीवी के सामने भी नहीं गुजरा। बढ़ाना कम करना नहीं, एक मर्तबा। काउंसलर हो या ना हो, एमएलए हो या ना
मंत्री हो या ना हो, सीएम हो या ना हो, पटेल हो या ना हो, सदर हो या ना हो, चौधरी हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, गरीब हो या ना हो, उम्मत चलेगी। अगर उलमा ना हो तो उम्मत नहीं चलेगी। तुम जब भी डाउन होगे, तुमको चार्ज करने के लिए उलमा की जरूरत पड़ेगी। मैं जमता जमाता बयान करने का मौका लेकर बैठा नहीं, आकर माहौल को देखा तो मजमून पूरा उड़कर चला गया। मुझे जो खामियां नजर आई वो आपके सामने पेश करूंगा। यही आज मेरा मौजू होगा, यही मेरा उन्वान होगा। सबसे रिश्ता तोड़ो या जोड़ो, आप बाकी रहेंगे। अगर आपका रिश्ता उलमा से टूटेगा, आप कभी बाकी नहीं रहेंगे। बताओ कि आज से कौन कौन अपना रिश्ता उलमा से मजबूत करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, उलमा से रिश्ता मजबूत करने का मतलब क्या? बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखते हैं बस। अब वो नाम भी रखने के लिए उलमा को फोन नहीं करते लोग। एक जमाना था कि घर में अगर बच्चा पैदा होता तो फौरन उलमा को फोन करते थे। कुछ तो इतने अच्छे भी थे, अभी बच्चा पैदा नहीं होता उलमा को फोन करके नाम लेकर रख लेते थे। ये भी अच्छा तरीका है। बच्चे के पैदा होने से पहले नाम रखना भी जायज है, बच्चे के पैदा होने के बाद नाम रखना भी जायज है। दोनों का इशारा कुरान पाक में मिलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, मेरे नबी दुनिया में आए नहीं, आने से पहले मेरे नबी का नाम आ गया। यहया अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं, यहया अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। इससे ये इशारा मिलता है बच्चे पैदा होने से पहले भी नाम रखना जायज है। बच्चे पैदा होने के बाद तो नाम रखना ही है। आपके गांव में रखते नहीं रखते? रखते नहीं रखते? अच्छे नाम रखो, प्यारे नाम रखो, खूबसूरत नाम रखो, जो जुबान में भी आसान हो, माना भी अच्छा हो। पूरा नाम पुकारे तब भी अच्छा लगे, आधा नाम पुकारे तब भी अच्छा रखे। ये इस्लाम का फरमान है। पूरा नाम, पूरा नाम मेरा मुसम्मिल है। अगर खैराबादी साहब मोहब्बत से मुझे आधा नाम पुकारते हैं तो ये भी सुन्नत है। अब मेरा आधा नाम कैसे पुकारेंगे? मुजम्मिल को आधा नाम पुकारेंगे तो कैसे पुकारेंगे? अरे पुकारो ना, प्यार नहीं हुआ अभी। मुज्जू क्या? मुज्जू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को भी ऐसा पुकारा करते थे, उस्माने गनी को भी ऐसा पुकारा करते थे। बीवी थी ना हजरत आयशा। आपके गांव में बीवी है? अगर नहीं है तो बोलो, बेंगलुरु से भेजता हूं। बीवी है नहीं है? अरे पूरे हिंदुस्तान के हर घर में बीवी है सिवाय एक साहब के। अच्छा है। बीवी ना हो तो वो घर में मजा क्या है? मैं तो यहां तक कहता हूं खैराबादी साहब, बीवी से प्यार करने में जहां मजा मिलता है, वहीं कभी कभार झगड़ा करने में भी मजा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेंगलुरु से मुजम्मिल आया था, झगड़ा करने पर भी मोहब्बत पैदा होती, अब जाने के बाद खूब झगड़ा करो। कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, उन्वान शुरू का नहीं भूलना। कभी कभार अगर झगड़ा हो जाता है ना, हजरत अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि झगड़े को पैदा भी खुदा ने किया है। इसका राज ये है कि झगड़ों से दिल साफ हो जाते हैं। झगड़ों से क्या होता है? दिल साफ होता है। शमशीर, आप मेरे दोस्त नहीं, उस वक्त आप मेरे से ये करे नहीं, मैं बोला नहीं, दिल में तकलीफ थी। झगड़े के वक्त वो तकलीफ का इजहार होता है, दिल साफ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े के बाद और ज्यादा इख्तलाफ करें। हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मियां बीवी कभी कभी आपस में इख्तिलाफ कर लेते हैं और बीवी अगर नाराज हो जाती है, शौहर उसे मनाता है। अगर शौहर नाराज हो जाता है, बीवी उसे मनाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों के मनाने को
इतना पसंद फरमाते हैं, जो मनाता है अल्लाह ताला उसे शबे कदर की इबादत का अजर अता फरमाते हैं। समझ में आ रही है यारों, बात समझ में आ रही है? जरा मेरी आवाज भी पस्त है, लेकिन मुझे इन शायरों की तरह परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अशार पढ़ना नहीं है। रमजान के बाद खाने खिलाने का नतीजा तो आवाज पर उतरता ही है, तो इसलिए कुछ आवाज में फर्क है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा करे मैं जुबान से नहीं दिल से कह रहा हूँ, 2,500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ, कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ दिलाने के लिए आया हूँ। खुदा आपको भी कबूल करे, खुदा मुझे भी कबूल करे। मेरे दोस्तों, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, लेकिन फजाइल के बाब में काबिले कबूल है। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का माहौल रखता हूँ, सिर्फ बयान का माहौल नहीं रखता, इसीलिए वसीके के साथ कह रहा हूँ। अगर बीवी नाराज हो जाए, शौहर मनाता है, शौहर नाराज हो जाए, बीवी मनाती है, मनाने वालों से खुदा राजी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारा मकसद ही ये है कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा खालिक राजी हो जाए, हमसे वो राजी हो जाए जो पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि पैदा होने से पहले हमको हमारी माँ के पेट में जो रोजी पहुंचाया है वो हमसे राजी हो जाए, हमसे ये कायनात का खालिक राजी हो जाए, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक प्यासा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक भूखा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक नंगा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जिसके सदके में ये कायनात बनी, उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे राजी करना सीखो। दोस्तों, अगर ये दो जात राजी हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। अगर ये दो नाराज हो जाए, सारी दुनिया राजी हो जाए, मैं भी बर्बाद हो गया, आप भी बर्बाद हो गए। आई यारो समझ में बात आई? अरे सामने बैठे हुए बच्चे, समझ में आई? किसे राजी करना है? किसे? अल्लाह को राजी। कौन थाली मार रहा है? ताली नहीं मारना, ताली नहीं मारना। ताली आ गई तो बता देता हूँ, ताली आ गई तो बता देता हूँ। मैं वही बताया कि एक मजमून लेकर नहीं बैठा हूँ, मेरा काम है इस्लाह करना। इस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम नहीं थे पैगंबर, क्या नहीं थे? जोर से बोलो, क्या नहीं थे? इमाम नहीं थे, बल्कि इमामों के इमाम थे। इमाम नहीं थे आका, इमामों के इमाम ही नहीं, इमामुल अंबिया थे। इसीलिए सहाबा का मकाम बहुत बड़ा है। सहाबा उसके पीछे नमाज पढ़े हैं जिसके पीछे अंबिया ने नमाज पढ़ी है। सहाबा मालूम, सहाबा मालूम। अबू बकर सहाबी, उमर सहाबी, उस्मान सहाबी, अली सहाबी, हसन सहाबी, हुसैन सहाबी, आयशा सहाबी, और फातिमा सहाबी, अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को सलमान खान कौन मालूम है, आमिर खान कौन मालूम है, विराट कोहली कौन मालूम है, दिलीप कुमार तो बूढ़ों को भी मालूम है। अभी भी ऐसे हैं मौलाना कि जिनको अबू बकर नहीं मालूम, आज भी ऐसे हैं गली गली मस्जिद, गांव गांव मदरसा, हर 250 में एक मौलवी नजर आएगा। रब काबा की कसम नौजवानों, खुदा की कसम मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगाता, इतने उलमा आज से 500 साल पहले पैदा हो जाते, सारी दुनिया इस्लाम की गोद में होती है। इतने मदरसे, मेरी एक एक बात, मैं छोटा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो। सिर्फ इस वक्त हमारे मुल्क, हमारे मुल्क, किसके मुल्क? हमारे मुल्क। कभी भी जब मुल्क कहोगे, भारत कहोगे, हिंदुस्तान कहोगे, इंडिया कहोगे, साथ में एक लफ्ज छोड़ लेना, क्या? हमारा। समझ में आई बात? अगर सामने वाला बोलिया हमारा, चल भाई हमारा भी,
तुम्हारा भी। अगर सामने वाला कहा कि तुम्हारा नहीं तो उस वक्त लफ्ज बदल देना हमारा ही है। समझ में आई बातें? क्योंकि इस मुल्क को हमने पसीना नहीं दिया, इस मुल्क को हमने खून दिया है। अगर इजाजत हो तो दो शेर पढ़ दूं। मैं शायर नहीं बाबा। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारे गुलशन को सवारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को सवारा है। ऐ हिंदी मुसलमान से भटके हो, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम राह से भटके हो, गर राह पे तुम्हारा है। अगर आज इस मुल्क का मुसलमान जिसका ईमान सहाबा के ईमान की तरह पुख्ता हो जाए, यकीन सहाबा के यकीन की तरह कामिल हो जाए, नमाजें खजाना हो अदा हो जाए, रोजे खुदा की कसम पूरे हो जाए, निगाहों में हिफाजत आ जाए, जुबानों में सदाकत आ जाए, जिंदगी में हया आ जाए, हाथों में सिराजे मुस्तकीम पर उसके कदम पर जाए, मेरे रब की कसम गुजरा हुआ दौर वापस आने के लिए सालों की जरूरत नहीं, कल सुबह का सवेरा हमारा होगा। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई समझ में? ये पक्की बात है मेरे दोस्त, ये बात पक्की है। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया, ताली पर बात आ गई तो चले गया। हाँ? लिंक मालूम? लिंक, अरे मोबाइल वाले हैं ना आप लोग, लिंक मालूम है? लिंक लफ्ज आ गया, वो लिंक जोड़ते जाओ, मैं कहां जा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। ताली पर बात आ गई, एक एक बात अमल करना इंशाल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन नमाज पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। पढ़ते हुए हमारी नमाजें छूटती है, लेकिन नबी और सहाबा की नमाजें तो पढ़ाते हुए नहीं छूटती। जरा खामोश हो गई, छोड़ो बस इतना ही सुन काफी। पढ़ते हुए हमारी नमाजें छूटी है, लेकिन नबी की और सहाबा की नमाज तो पढ़ाते हुए नहीं छूटी। मुझसे किसी ने पूछा कि हजरत इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान की क्यों नहीं चलती, तो मैंने उस वक्त जवाब दिया, बुजुर्गों की अमानत को अपने अल्फाज में ढाल कर जवाब दिया, जिस दिन मुसलमान अल्लाह के दरबार में चाहे
मौलाना दिल खैराबादी साहब, बाद में भी अगर आप चाहे तो रिसर्च करके मुझे फोन कर देना, मुझे कोई समझाता है तो मैं समझने में देरी नहीं करता, उसका मशकूर होता हूँ। मैंने उससे जवाब दिया कि जिस दिन मुसलमान इखलास के साथ नहीं, दिखावे के तौर पर ही सही, 100% अल्लाह के दरबार में सर झुका देगा, इंशाअल्लाह ताला वो दिन इनकलाब का दिन होगा। नमाज ही नहीं पढ़ते, सर नहीं झुकाते। रमजानुल मुबारक में जो बहार था, आज वो बहार नहीं। रमजान की फजर में जो बहार था, आज वो बहार नहीं। रमजान की जोहर, असर, मगरिब, इशा में जो बहार थी, आज वो बहार नहीं। मौलाना हबीबी साहब, रमजान में गैर नमाजी तो छोड़ो, नमाजी तो इबादत करता था, गैर रमजान में नमाजी भी बेनमाजी हो गया है। जो रमजान में फजर की नमाज में पहली सब में फजर की सुन्नत पढ़ते थे, फर्ज पढ़ते थे, आज वही गायब है। याद रखो, याद रखो, ईमान के बाद नमाज का दर्जा है। कामयाबी ईमान और नमाज से होगी, ये मैं नहीं, मेरा और आपका रब कहता है। खद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। नमाज जब तक नहीं होगी, मोमिन कामयाब नहीं होगा। ईमान के बाद मोमिन की कामयाबी का राज अल्लाह तबारक व तआला ने कॉर्पोरेशन में नहीं, असेंबली में नहीं, पंचायत में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, अक़वामे मुत्तहिदा में नहीं, दौलत में नहीं, हुकूमत में नहीं, ताकत में नहीं। अल्लाह ने, रब्बे काबा की कसम, पैगंबर का वारिस हूँ, वारिसों के बीच में बैठकर कहता हूँ कि हमारी कामयाबी को अल्लाह ने नमाज के अंदर रखा है। नमाज नहीं पढ़ोगे कभी कामयाब नहीं होगे। आखिरत में कामयाब होना तो दूर की बात, खुदा करे मेरा नौजवान इस बंगाल के इस गांव का मेरी बात समझ ले, मैं अल्लाह के दरबार में शुक्र बजा लाऊंगा, दो रकात शुक्राना पढ़ दूंगा। मैं सिर्फ अपनी महारत या जज्बा खुदा की कसम दिखाने नहीं आया, ये तड़प पेश करके तड़पाने आया हूँ। याद रखो, कान खोल कर सुनो, नमाज नहीं पढ़ोगे, खबर का मसला, हशर का मसला, मीजान का मसला, पुलसरात का मसला, हिसाब किताब का मसला हल होना तो दूर की बात। अगर मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ोगे, दुनिया की तुम्हारी जरूरतों के मसले भी हल नहीं होंगे। तुम चाहते हो तुम्हें एक अच्छी बीवी मिले, तुम चाहते हो तुम्हारे फरमा बरदार बच्चे हो, तुम चाहते हो तुम्हारे लिए एक सुकून का साया हो, तुम चाहते हो एक हलाल रोजी का निजाम हो, तुम चाहते हो तुम्हारे इज्जत के झंडे चढ़े, तुम चाहते हो तुम लंबी उम्र पाओ, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में खैर हो, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो। मेरे रब की कसम, ये दुनिया के तकाजे हैं, ये तकाजे भी अगर पूरा होना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। नमाज पढ़े बगैर फरमा बरदार बीवी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़े बगैर फरमा बरदार बच्चे नहीं मिलेंगे, नमाज पढ़े बगैर एक अच्छा साया नसीब नहीं होगा, नमाज पढ़े बगैर सुकून की रोजी रोटी नहीं मिलेगी। बल्कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, जन्नत में तो सुकून ही सुकून है, वहां परेशानी नहीं, दुनिया सुकून और परेशानी की जगह है। दुनिया में अगर तुम सुकून चाहते हो, नमाज पढ़ना पड़ेगा। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली अली, सुकून अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे? हजरत अली से पूछा। जानते हो हजरत अली को? अरे जानते नहीं जानते, कौन कौन जानते हाथ उठाओ। माशाल्लाह, बेंगलुरु में है नहीं हजरत अली? अल्लाह मकामे फिरदौस में होंगे। हजरत अली से क्या बेहतरीन सवाल किया। उस जमाने में मौलाना सवालात भी बड़े अच्छे करते थे लोग, उनका सवाल हमारा बयान होता था।
आज ऐसे सवाल करते हैं जिस मौलवी को शुगर नहीं शुगर आ जाती सवाल सुनकर, जिस मौलवी को बीपी नहीं सवाल सुनकर बीपी आ जाती, जिस बीवी को जिस मौलवी को परेशानी नहीं उस मौलवी को परेशानी आ। मुझे तो ऐसे ऐसे सवालात करते हैं, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। एक साहब पूछने लगे, मौलाना आपका मैंने एक बयान सुना। मैंने कहा क्या बयान सुने? आपने कहा कि दूध पीने की भी दुआ है नहीं? दूध पीने की दुआ, दूध पीते नहीं पीते? अरे दूध पीते नहीं पीते, माशाल्लाह मुसलमान क्या पीना? दूध पीना, समझ में आई बात है? दूध दूध पीना बहुत अच्छी चीज है। कभी ये उलमा आपके सामने दूध की फजीलत पर बयान करेंगे, पर उस जमाने के उलमा तो दूध शहद जन्नत की शराब जमजम कौसर तस्नीम ये छह चीजों पर 400 सफहात की किताब लिखी। दूध पियो, पियेंगे ताकत भी बनाओ, ईमान बनाओ, आमाल बनाओ, ताकत भी बनाओ। हमको ढकेलना पहाड़ को ढकेलने के बराबर हो जाए। अब तो बीड़ी पीकर गुटखा खाकर शराब पीकर, आपको नहीं बोल रहा हूं, जो पी रहे उनको बोल रहा हूं, आप नाराज नहीं होना, क्योंकि इधर से भागने का रास्ता भी नहीं मालूम मुझे। बीड़ी पीकर सिगरेट पीकर गुटखा खाकर पान पराग खाके ऐसी वैसी चीजें खाके 35 साल 30 साल की उम्र में सीना जो है ना तेल की टिन की आवाज आती है। नौजवान है तो नौजवान, तू अगर खड़ जाए ना रास्ते में, दुनिया की कोई ताकत तुझे हिटाने की ताकत ना रखे। शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह तुझे होना चाहिए। ऐसी ताकत पैदा करो, ईमान भी हो, आमाल भी हो, जिस्मानी ताकत भी हो। उसके बाद सिर्फ एक मर्तबा नारे तकबीर कहो, दुश्मन ना भागे तो पूछना। नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कुछ भी नहीं, बेकार का रास्ते में खड़ जाके नारे तकबीर बोलता है, क्या फायदा? जब ईमान मजबूत होगा, आमाल कामिल होंगे, जिस्मानी ताकत होगी, जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी होगी, तब नारे लगाएंगे ना तो क्या होगा? हमारे हबीबी साहब के हवाले से सुनो, सुन रहे सो रहे? अरे सुन रहे सो रहे? मेरे अब्बा भी मौलाना इंतकाल हो गए, दुआ फरमाए अल्लाह मगफिरत फरमाए, उन्हीं की तरबियत में यहां तक पहुंचा हूं। मुझे बारहा फरमाते थे मेरे अब्बा बेटे, मुझे तकरीर के मैदान में 50 साल का तजुर्बा, तुमको तो 10-15 साल का तजुर्बा। लखौम पर भरोसा करके लंबे लंबे बयान नहीं करना। मैंने पूछा क्यों? अब्बा जान फरमाने लगे ये कौम बड़ी चालू है। क्या चालू? आंख खुली रहती है, ख्वाब देखती रहती है। सुन रहे? जब ईमान कामिल, आमाल कामिल, हलाल खाने की वजह से ताकत अगर हो, तुम नारा लगाओगे तो तुम्हारे नारों का नतीजा, तुम्हारे नारों का रिजल्ट, तुम्हारे नारों का समरा क्या मिलेगा? हबीबी के हवाले से सुनो, पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है, जब नाम खुदा का लेता हूं मैदान हमारा होता। ऐसा हो ना, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पर्दे में बैठी हुई आपाएं भी है, है आपाएं? समझती क्या वो उर्दू? समझती? अच्छा 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 अच्छा, आपा तू सुन ना सुन अपनी जगह पर। ऐसी मजलिसों में एक आधा घंटा तू खामोश बैठ गई ना, मैं समझूंगा तेरे सदके में मेरी नजात हो गई। हमारे बेंगलुरु की औरतें तो खामोश बैठती ही नहीं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके घर की औरतें खामोश रहती होंगी। हंसे तो मालूम हो रहा है आपके घर में भी तूफान है। नहीं समझे भाई?
आपा, मेरी माँ, मेरी बहन, तेरा एक भाई बेंगलोर से जज्बा लेकर आया है, अगर तू समझ जाए ना, उलमा के बयानात से उम्मत वो नहीं सुधरेगी, तेरी तरबियत से वो सुधर जाएगी। तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी की तकरीर का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के बयान का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के वाज का नंबर आता है। खुदा ने मौलवी की तकरीर में, मौलवी के बयान में, मौलवी के वाज में रब्बे काबा की कसम जो पावर रखा है, उससे 70 गुना ज्यादा पावर तेरी तरबियत में रखा है, तेरे पेट में रखा है, तेरे गोद में रखा है, तेरी आगोश में रखा है। मैं कान पकड़ रहा हूँ, तू पर्दे में बैठी है, मुझे देख नहीं सकती और देख भी नहीं पा रही है, फिर भी कान खोल के सुन ले। अगर तू इस वक्त की आयशा होती, इस वक्त की फातिमा होती, इस वक्त की राबिया होती, सारी दुनिया की बात अपनी जगह पर छोड़, हमारे मुल्क में मुसलमानों का ये हाल ना होता। तू अपने आप को समझ मेरी आपा, तू अपने आप को समझ मेरी बहन। इस्लाम ने जितना एहसान तुझ पर किया, अल्लाह ने जितना करम तुझ पर किया, अल्लाह ने जितनी रुख्सतें तुमको दी, पैगंबर ने जितने फजाइल तुम्हारे लिए बयान किए, उतने तो मर्दों के लिए भी बयान नहीं किए। मेरे शेख आलम इस्लाम के सबसे बड़े वली खुतबे दौरा हजरत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दीदी दामत बरकातहुम फरमाते हैं, अल्लाह हजरत की सेहत अता फरमाए, हजरत फरमाते हैं एक मर्द जिक्र करता है तो खुदा उसे जो अजर देते हैं, अगर औरत अपनी जुबान बंद रखती है तो उससे ज्यादा अजर देते हैं। जरा और एक मर्तबा सुभान अल्लाह जोर से बोल दो, माशाल्लाह। सुन रही है आपा, हमारे खिलाफ बोले तो सुभान अल्लाह बोले आप। अब घर को गए जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि बेलन उठेगा कि चमचा उठेगा। अगर आपके घर की औरतें आई है तो सुनो, अगर नहीं आई है तो आप जाकर सुनाओ, मेरी माए, मेरे पास वक्त नहीं, अनवान बहुत बड़ा है, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, लेकिन गुजारिश है तू नेक बन जा मेरी आपा, तू अच्छी बन जा मेरी आपा, तू अल्लाह रसूल की हो जा मेरी आपा, नमाज की तू पाबंद बन जा, तेरे अंदर पर्दा आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त शमशीर के घर से निकलकर मैं जलसे के स्टेज को आया, यहां तक मैंने एक औरत को भी बुरके की हालत में नहीं देखा। मैं जहां बिहार जाता हूं, बंगाल जाता हूं, कहीं ना कहीं मैं उन्मान को खींच कर लेकर आ जाता हूं। ऐ मेरे भाइयों, मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बात है तुम्हारे घर की अम्मा बुरका और चादर क्यों नहीं डालती? क्या बात है तुम्हारी बीवियों को बुरका तुमने क्यों नहीं दिलाया? क्या बात है तुम्हारी बच्चियां बुरका क्यों नहीं पहनती? क्या बात है तुम्हारी बहनें पर्दे के माहौल में क्यों नहीं है? आप मुझे ये ना कहो, मेरे गिरेबान की पट्टी ना पकड़ो, मौलाना तुम शमशीर के घर से निकलकर आते हुए तुमने हमारे घर की औरतों को क्यों देखा? मैंने माहौल देखने के लिए देखा, नजर मेरी ऐसे ही पड़ गई, बात पहले भी मेरे पास आई है, आखिर मेरी इस रियासत की माए और बहने बुरखा क्यों नहीं पहनती? अल्लाह ने एक्स्ट्रा लिबास तुमको अता किया है, एक्स्ट्रा तोहफा तुमको अता किया है। मुसलमानों, मेरी बात को जाकर किसी भी मौलवी से पूछ लेना, थोड़ी देर के बाद मुल्क का एक बहुत बड़ा आलिम तुम्हारे सामने आने वाला है, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, उससे भी तुम पूछ लेना कि बेंगलोर का ये दुबला पतला क्या
सही कहा है कि गलत कहा है, कान खोल कर सुन लो। जिस औरत के पास पर्दा नहीं वो काबतुल्ला के सामने भी नमाज पढ़ेगी, खुदा उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। और कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारे घर की औरतें चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, कान खोल के सुनना, दिल की तख्ती में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना, कल कयामत में उसके बुर्के का सवाल तुमसे भी होगा, उसकी चादर का सवाल तुमसे भी होगा, उसकी हया का सवाल तुमसे भी होगा। माना कि तुम नमाजी हो, माना कि तुम हाजी हो, माना कि तुम पटेल हो, माना कि तुम चौधरी हो, माना कि तुम सदर हो, माना कि तुम्हारे चेहरे पे आधे आधे मीटर की दाढ़ियां हो, माना कि तुम्हारे सरों में टोपियां वो इमामा हो, माना कि तुम दावत और तबलीग में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हो, माना कि तुम औलियाउल्लाह से बेहद मोहब्बत करते हो, माना कि तुम सही हदीस और बुखारी के गुण गाते हो, इख्तलाफ का मौका नहीं है, क्योंकि पर्दा इख्तलाफ का मसला नहीं है। कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारे पास ये तमाम इबादतें हो और तुम्हारे घर की औरत बेपर्दा हो, तुम्हारी इबादतों को अल्लाह ताला बेकार कागज की तरह लपेट कर जहन्नम के घाट डाल देंगे, और तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने तुम्हारी माँ को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बहन को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बेटी को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बीवी को बुर्का क्यों नहीं दिया। आज हमारी कौम की जवान बच्चियां अच्छे अच्छे जरबर्द के कपड़े पहनकर होठों पे लिपस्टिक लगाकर बाहर जाती है, गांव का नाम भूल रहा हूँ, सामने बैठा हूँ, डंके की चोट में सीना ठोक कर कहता हूँ कि तुम्हारे घर की औरतों पर अगर गैर नजर डालता है, क्या तुमको गीरत नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती? कहाँ गई हया? अबू बकर की हया कहाँ गई? उमर की हया कहाँ गई? उस्मान की हया कहाँ गई? अली की हया कहाँ गई? तुमको गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हारी दौलत पर दूसरों की नजर पड़े गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी गाड़ी को दूसरा देखे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे घर को दूसरा देखे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे दुकान को चार पांच मर्तबा कोई देखे तुमको वहम आ जाता है, नजर लग जाएगी। लेकिन तुम्हारे घर की औरतों को मुसलमान भी देख रहा है, गैर मुस्लिम भी देख रहा है, कहां जाती है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम ईमान है? क्या यही है कुरान रखने वाले? क्या यही है कुरान पढ़ने वाले? क्या यही है अल्लाह को मानने वाले? क्या यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले? क्या यही वो मुसलमान है? कल इस्लाम पर कोई हमला करे तो सामने आकर शहादत का जाम पीने वाले, कान खोल कर सुन लो, बंद करने के लिए कह दो मैं तकरीर बंद कर दूंगा, आइंदा आने की मुझे कोई जरूरत नहीं, बुलाने की कोई तवक्को नहीं, साफ साफ बात करना चाहता हूँ, साफ साफ बात करना चाहता हूँ, डंके की चोट में बात करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ जुमले पे। वो क्या खाक मुसलमान होगा जो इस्लाम की हिफाजत करेगा, मस्जिदों की हिफाजत करेगा, मदरसों की हिफाजत करेगा, जो अपने घर की औरतों की हया की हिफाजत करेगा, वो मस्जिदों की क्या खाक हिफाजत करेगा? नहीं, 25,000 का मोबाइल है तेरे हाथ में, तेरी माँ के जिस्म पर बाहर निकले के वक्त एक 1,500 रुपए का बुरखा नहीं? ये स्टेज में बैठे हुए उलमा है किसी मर्द को ये हिम्मत कि इनके घर की 10 साल की बेटी पर नजर डाले? अगर गुस्सा इनको आता है तो समझो कि इनकी गीरत है। हमारी बच्चियां हैं, इज्जत इज्जत कुत्ते भोगने शुरू कर दिए, हमला कब करेंगे पता नहीं, और इन कुत्तों के सामने खूबसूरत गोश्त पेश करने वाले हम। याद रखो, क्या गांव का नाम? हंसरपुर। कान खोल के सुनो, कल कोई दुश्मन
मैं कान पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा सोया हुआ समीर जगा रहा हूं, मेरे अल्फाज सुनो, दर्द के साथ ये पर्दे में बैठी हुई इज्जत तुम्हारी नहीं मेरी भी है, ये पर्दे में बैठी हुई आबरू तुम्हारी नहीं मेरी भी है, ये पर्दे में बैठी हुई माए तुम्हारी नहीं मेरी भी है, ये पर्दे में बैठी हुई बहने तुम्हारी नहीं मेरी भी है, ये पर्दे में बैठी हुई बच्चियां तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मैं आज तो खुदा से ये दुआ कर रहा हूं कि मौला मुजम्मिल को इतनी ताकत दे दे कि मैं हर बहन को कम से कम बुरखा तो तोहफे में दे दे। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा सादा सीधा, कहीं जाता भी हूं तो मेरे रब की कसम में सवाल तक नहीं करता, नहीं। लेकिन याद रखो, हमारी माँ और बहनों को बुरखा दे दो, हमारी बच्चियों को बुरखा दे दो। क्यों? इसलिए कि कुत्ते भोंकना शुरू कर दिए हैं, अब वो कब हमला करेंगे पता नहीं, वो कब हमला करेंगे पता नहीं। मेरा इशारा, मेरा किनाया अकलमंद समझ रहा है, मेरे इन बातों को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, अकलमंद होना जरूरी है। पर्दे में बैठी हुई, मैंने एक जगह पर पढ़ा, एक वली कामिल फरमाते हैं, वो औरत जो किसी मर्द को देखने का मौका देती है, दिल खैराबादी साहब शायद आपका दिल भी समझ नहीं पाएगा, आपका दिल भी समझ नहीं पाएगा, मैं भी आपके आशिकों में से हूं, खसम अल्लाह की मैं किसी को खामखा चढ़ाता नहीं, लेकिन सुनिए, लिखा है एक अल्लाह वाले ने, कोई औरत किसी गैर मर्द को देखने का मौका देती है, 70 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। हाय, हमारी गीरत मर गई, हमारा शर्म। वक्त आ गया, कल सुबह ही अगर पैसे न हो खर्च लेकर बुरखे दिलाओ, तुम्हारे खर्च का खुदा जिम्मेदार होगा। मोबाइल बेच कर बुरखे दिलाओ, तुम्हारे खर्च का खुदा जिम्मेदार होगा। पर्दे में मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, तुमने तुम्हारे ऊपर बाहर निकलते वक्त काले बुरखे की अहमियत को नहीं समझा। 2-3 जुमले कहकर आगे गुजर जाऊं, इमामत की बात और दूध की बात अर्ज करना है मुझे, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ू कि खत्म कर दू? बढ़ू आगे, शौक के साथ सुनेंगे तो तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। समझ में आई बात है? सुनो, शौक से, दर्द से कह रहा हूं, तकरीर नहीं बात कर रहा हूं, तुम भी समझो, उनको भी समझाओ। मेरी माएं तुम्हारे जिस्मों पर अल्लाह ने काला बुरखा देकर यह बताया कि मेरी बंदी, मैंने ये काला गिलाफ सिर्फ मेरी मखलूकात में दो को दिया, एक मेरे काबे को दिया, एक मैं तुझे दिया। एक मैंने मेरे काबे को दिया और एक तेरी हया को दिया। फिर नतीजा निकालो, काबे के खिलाफ की जो अजमत है, मेरी आपा तेरे बुरखे की भी वही अजमत है। और सुनो हबीबी साहब, बगैर सबूत के ये आजिज बात नहीं करता, सुनते जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का इशारा
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैंने मेरे काबे के लिए जो काला गिलाफ अता किया, मेरी बंदी मैंने भी तुझे वो काली चादर तेरी हया के लिए अता किया। मेरे काबे के गिलाफ की जो अजमत है, तेरे चादर की भी वो अजमत है। फिर सुनते जाओ, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नोट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट नोट करो, क्या कह रहा हूं सुनो। अल्लामा इब्ने कसीर, जिनकी एक तफसीर है, तफसीर इब्ने कसीर, बहुत बड़े आलिम दीन उलमा जानते हैं, वो फरमाते हैं उनकी अपनी जिंदगी में दो मरतबा काबतुल्लाह का गिलाफ हवा से उड़ा। कितनी मरतबा? दो मरतबा काबतुल्लाह का गिलाफ हवा से उड़ा। जब भी काबतुल्लाह का गिलाफ कभी तूफानी हवा से उड़कर काबे की दीवारें नंगी होती है, ये इस बात का इशारा है कि जमीन में कोई बड़ा अजाब आने वाला है। और आया भी दो मरतबा अजाब। अरे एक बात सुनो, आज से 3 साल पहले मेरी भांजी और मेरी बहन भी उस हज में रही, और आप हजरात भी उस हज में कोई रहा होगा। काबतुल्लाह का गिलाफ मक्के मुकर्रमा में तूफानी बारिश और हवा की वजह से काबे का गिलाफ उड़ा। मेरे पास बराबर रिसर्च और तस्वीर मौजूद है। मैंने उसी जुमे को कहा काबे का गिलाफ उड़ा, लोग तस्वीर पकड़ने में मसरूफ थे, अल्लाह का इशारा समझने की किसी के पास ताकत नहीं थी। काबे का गिलाफ उड़कर काबे की दीवारें नंगी होना खुदा के अजाब का इशारा है। चंद दिन नहीं गुजरे, कोरोना जैसा अजाब सारी दुनिया के लपेट में आ गया। इशारा दिया खुदा, खुदा इशारा दिया, सारी दुनिया लॉकडाउन के अंदर आ गई। परेशानियां हुई, काबे का गिलाफ काबे की दीवारों से हिट जाता है, अल्लाह का अजाब आ जाता है। अरे बिल्कुल इसी तरीके से जिस घर के अंदर, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मुल्क में औरतों का गिलाफ बुरके के नाम से हिट जाता है, अल्लाह का अजाब आ जाता है। कभी टेंशन की शक्ल में, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी लड़ाई की शक्ल में, कभी झगड़े की शक्ल में, तू अपने बुरके की पूरी हिफाजत कर। मैं इस गांव वालों से कहना चाहता हूं, हमारे शमशीर साहब से, दीगर मेरे दोस्तों से, कि आइंदा अगर जलसा हो तो इन औरतों को बुरके बांटने का इंतजाम करो। बुरके बांटो, हमारी 12 साल 10 साल की बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है, औरतों को पर्दे में रखता है। और आज सारी दुनिया भोगती है, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। क्या जुल्म करता है भाई? इस्लाम देखो, मर्दों को खुला रख दिया, औरतों को प्याक कर दिया, मर्दों को खुला रख दिया, औरतों को प्याक कर दिया। और ये बमड़ी, ये बेकार की आवाज, ये कुत्तों की भौंक, कुछ हमारे लोगों के जहन में भी उतरती जा रही है। इनको इतना समझ में नहीं आता, कम कीमत की चीजों को ऐसे वैसे जहां चाहे रख सकते हैं, लेकिन कीमती चीजों को छुपा कर रखा जाता है। मर्द की कीमत जरा कम है तो कम है, इस्लाम में औरत की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे छुपा कर रखते हैं। छुपी हुई चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है। न्यूजीलैंड को एक औरतों की जमात गई, एक वाकया सुनो, न्यूजीलैंड को एक औरतों की जमात गई, बस स्टैंड में खड़े हुए थे, और दावत और तबलीग की जो औरतें और मर्द थे, बस स्टैंड में फुल प्याक, फुल प्याक, हाथों में भी गुलोस, पैरों में साथ बुरखा ढीला ढाला। कब भी देख कर रहे हैं आप लोग ऐसी औरतों को? अरे देखे नहीं देखे, कहां देखे? आपके घर में नहीं पहनते तो कहां देखे आप लोग? कभी आप देखो बेंगलोर आकर, मद्रास चेन्नई जाकर देखो, और भी कुछ इलाके हैं, कलकत्ता में भी होंगे ऐसे, बहुत अल्लाह की नेक बंदियां ऐसी हैं। अल्लाह अकबर, मेरा जहन खुलता जा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि ज्यादा देर इसी पर बात करूं कि औरतें इतनी पर्दे में होती हैं कि पूरा प्याक होता है, चेहरे पे भी ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे फूल डाल लेते हैं, ऐसे फूल डाल लेते हैं।
ये घुगु बोलते हैं, बेवकूफ अहमक गधे की अकल वाले बोलते हैं। औरत अगर ऐसा डाल ली तो क्या उसका दम नहीं घुटेगा? उसका जवाब देने के लिए कोरोना भी मास्क आया। उसका जवाब देने के लिए क्या आया? कोरोना भी मास्क आया। अगर औरतें ऐसा हिजाब डालती है उनको तबीयत नासाज हो जाती है। अब ये मास्क डालते हैं तो क्या 25 साल ज्यादा उम्र हो जाती क्या? मास्क पहनकर जब जिंदा रह सकते हैं, हिजाब पहनकर भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि मास्क का हुक्म इंसान दिया, हिजाब का हुक्म अल्लाह दिया। औरत फुल पर्दे में होना, मसला सुनो, कंगी करते नहीं? कंगी आपके लोग करते हैं, आपके यहां करते कंगी? करते औरतें कम करते हैं, लेकिन लड़के लोग ज्यादा करते, क्योंकि लड़के लोगों के बाल जो है ना औरतों से भी ज्यादा हो गए, अजीब अजीब बाल रखते हैं। आप बेजार नहीं हो ना, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं लड़की होता तो ये सूरत को कभी शादी ना करता। क्या ऐसे भी बाल रखते हैं? ये पूरी कटिंग, इधर बाल खड़े हुए, ऐसे मालूम होता है कि कहीं सैलाब आया, हुकूमत मुंह फेर ली, चंद दिनों के बाद बेकार की घास उठी हुई है। सूरत भी बनाओ। इस्लाम चाहता है कि इंसान पहले से खूबसूरत है और भी जरा खूबसूरती इख्तियार करे। आखा ने कंघी करने का हुक्म दिया, चेहरा बार बार धोने का हुक्म दिया, सुरमा लगाने का हुक्म दिया। ये सब हुक्म क्यों दे रहे अल्लाह के रसूल? ताकि हम लोग खूबसूरत दिखे जराए। सारी दुनिया में किसी कौम के मर्द सुरमा नहीं लगाते, मोहम्मद के गुलाम लगाते। एक फोटो निकाल लो सुरमे के बगैर, एक फोटो निकालो सुरमे के साथ, दोनों में आप खुद देखेंगे मैं कितना खूबसूरत हूं, माशाल्लाह कह देना। कभी बेगम के पास जाओ बगैर सुरमे के, ओ कब आए आप पूछेगी, सुरमा लगाकर बेगम के साथ सामने जाओ, आई लव यू। भले अरब की एक औरत आलिमा, अरबी में किताब है वो मेरे पास है मौलाना, मैं बताता हूं आपको। उसने अपने बेटे को निकाह के मौके पर एक किताब लिखकर तोहफे में दी। आजकल तोहफे में मोबाइल देते, पहले से बर्बाद है, अब और भी ज्यादा बर्बाद हो जाओ। मां ने अपने बेटे को एक किताब लिखकर तोहफे में दी। उस किताब में दुल्हनों को नसीहत नहीं, दुल्हा को नसीहत, तुम कैसे तुम्हारी बीवी के साथ रहना। इसके तकरीबन 100 नसीहतें की है उसने। अरब है, आदमी इल्म है। कितनी नसीहतें की? उसमें से 100 नसीहतें की। मैं दो चार आपके सामने बयान कर दूं ताकि आप भी उस पर अमल कर लें और भाभी खुश हो जाए तो सवाब मुझे मिल जाए। उस मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटे कभी भी तुम घर से अगर बाहर से अगर घर को आओ तो चेहरे में परेशानी नहीं, चेहरे में मुस्कुराहट रहना। हम लोग बाहर मुस्कुराहट, चेहरे में हमारे बीवी के सामने आते ही अमित शाह की सूरत हो जाती। बाहर का टेंशन बाहर, अंदर का सुकून अंदर। और एक जगह पर उस मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटे जब भी तुम अपनी बीवी के करीब हो तो अपने जिस्म पे खुशबू लगाना। इन्हें बीड़ी पी के जाता है घुगू नहीं, बीड़ी पीकर जाओगे, बीड़ी सिगरेट पीकर जाओगे, बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। खुशबू लगा कर जाना, फुकहा ने लिखा है मुंह में अगर दांतों की सड़ान भी हो एक इलायची डाल लेना। फुकहा ने लिखा है। तो आप शमशीर साहब आइंदा से आप इलायची भी तकसीम करो, अमल करो, अमल करो। छोटी छोटी बातों पर अमल करोगे, बड़ी बातों की तौफीक आसमान से मिलेगी।
समझ में आई बात है। और इस पर तो जरूर अमल करेंगे दिल साहब, इलाची पर तो जरूर अमल करेंगे, समझ में आई बात है। मुसलमान के जिस्म में कभी बदबू नहीं आती, ईमान की खुशबू होती है, नबी की निस्बत की खुशबू होती है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, मदीना बना दिया, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, खुशबू निचोड़ कर, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, पसीना बना दिया। नबी के साथ में खुशबू थी, हमारी निस्बत में खुशबू होना चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ में खुशबू थी, आज भी इस टाइम अभी हमारे अभी भी साहब ने एक शेर पढ़ा, वो भूल गया, मैं याद रखा था, रिकॉर्ड तो किया हूँ। ये हवाओं में जो खुशबू होती ना, जब किसी हवा के झोंके में खुशबू आए तो समझ जाना कि मदीने से गुजर कर आई है। कैसी इतराती फिर रही है हवा, उनकी चौखट को छू के आई है। नबी के रोजे अकदस के करीब से गुजरते हैं, वलियों को नहीं गुनहगारों को भी खुशबू का एहसास होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आए, आए, आए। और एक वाकिया बोलूं बीच में, बहुत सारी बातें रुकी हुई है, मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। अच्छा, हुजूर के एक सहाबी थे हजरत उत्बा जी, क्या नाम हजरत उत्बा, तकरीबन 30 से ज्यादा सहाबा का नाम उत्बा है, उत्बा समझ में। उसमें से एक सहाबी हजरत उत्बा, उनको चार बीवियां, कितनी बीवियां, अरे जोर से बोलो कितनी बीवियां, जरा और जोर से बोलो, रिकॉर्ड हो रहा उधर। ये चार का लफ्ज बोलते हुए अमल ना भी करे फिर भी पता नहीं कि खुशी क्यों इतनी होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे एक साहब फोन करके लाउड स्पीकर में बीवी को बाजू बिठाकर मुझे मसला पूछ रहे, मौलाना दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी से इजाजत लेना क्या। अब सामने बीवी है, अब मैं ऐसी पोजीशन में अटका हूं कि अगर मैं हाँ बोलूं तो शरीयत के खिलाफ जी, ना बोलूं तो फिर बीवी के खिलाफ जी। अब मैं क्या करूं, समझ गया कि लाउड स्पीकर में बीवी को सुना रहा है। मैं बोला कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना नहीं लेना ये दूसरा मसला है, पहले सिलेंडर की कीमत कितनी है मालूम करना जरूरी है। अच्छा है अच्छा है। सिलेंडर की कीमत अगर मालूम हो मर्दों को तो फिर दूसरी बीवी क्या पहली बीवी को कर कर भी पछताएगा। जी जी जी। एक नौजवान रात को ईशा की नमाज के बाद 11 बजे तक इबादत करता था, मस्जिद के मौजिन साहब दरवाजा लॉक डालकर जाना था, बहुत तकलीफ होती थी। आखिर नौजवान को पूछे, इतनी लंबी इबादत क्या करता है भाई तू, उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई सलातुल हाज्जा नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, चंद दिन के बाद शादी हो गई, मौजिन साहब भी दावत को गए थे, शादी के एक महीने के बाद फिर ये इबादत शुरू किया, वही 11 बजे तक नमाज पढ़ रहा है। अब मौजन साहब पूछे, शादी तो हो गई अब कौन सी नमाज, तो फौरन वो नौजवान कहने लगा, अब सलातु तौबा पढ़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अब कौन सी नमाज पढ़ रहा, सलातु तौबा, तौबा नमाज पढ़ रहा हूँ। समझ में आई बात है। उत्बा को कितनी बीवियां थी, चार बीवियां, और इत्तेफाक देखो कि चारों के चार भी बाहयात थी। अल्लाह। और एक इत्तेफाक सुनेंगे तो पूरी अजान पढ़ देंगे आप जी, चारों के दरमियान में इत्तेफाक भी था। अल्लाह माशाल्लाह।
अल्लाह सदका अता कर दे हमको। आमीन। इशारा है। चार बीवियों के दरमियान में इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल बात है। जी जी। अक्सर एक शोहर को अगर दो बीवियां हो इत्तेफाक नहीं रहता, इसीलिए इस्लाम ने दो सगी बहनों से एक साथ निकाह करने पर हराम करार दिया। अल्लाहु अकबर। क्योंकि दो बहनों के दरमियान में मोहब्बत फितरत है, निकाह की वजह से खुदा नहीं चाहते कि उस मोहब्बत में दरार आए। अल्लाह ने हुक्म लगा दिया وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, निकाह न करो दो बहनों को एक साथ निकाह में रख करो, इस्लाम का कानून है। लेकिन ये चार बीवियां जो थी आपस में बड़ा इत्तेफाक था। एक मर्तबा उत्बा कहीं बाहर गए थे, चारों बीवियां एक साथ बैठकर बात कर रही थी और मौजू क्या था चारों बीवियों का, तुम्हारे पास जब शौहर आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं। एक ने कहा मेरे पास जब आते हैं तो मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम सब में सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। दूसरी ने कहा मेरे पास भी आते हैं तो मुझे वैसे ही महसूस होता है, मेरे पास भी आते हैं तो वैसे ही महसूस होता है, क्योंकि इंसाफ करते थे ना। फिर एक ने कहा पता नहीं कि जब वो आने होती हमारे पास, और से सुनो, जब वो आने की बारी होती हमारे पास, हम घर में अच्छा पकाकर हम अपने आप को सवार कर मदीने के बाजार से कीमती इत्र हम लोग लगाकर तैयार रहते, लेकिन उत्बा जैसे ही बाहर से जब हमारे घर आते हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती, उत्बा की खुशबू गालिब आ जाती। अल्लाह। दूसरी ने कहा मेरा भी वही हाल है, लेकिन आज तक हमको पता नहीं कि ये उत्बा खुशबू कहाँ से लाते हैं और कहां से मंगवाते हैं और कब लगाते हैं। हमने कभी उत्बा की इत्र की शीशी घर में देखी तक नहीं है। यही गुफ्तगू चल रही थी कि उत्बा आ गए। पूछा कि क्या प्लान चल रहा है हमारे बारे में। सबने कहा कि सरताज ये अल्लाह का करम है कि आप जैसा शहर हमको अता किया। आप ही की गुफ्तगू कर रहे थे, आप तशरीफ लाए। क्या गुफ्तगू हो रही थी? सबकी तरफ से एक ने सवाल किया जरा ये तो बता दो कि आप कौन सा खुशबू इस्तेमाल करते हैं। सबका यही ख्याल है तुम्हारी बारी हमारे पास जब होती है हम कीमती इत्र लाकर लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़ों और जिस्मों से आने वाली खुशबू के सामने हमारी खुशबू भीगी पड़ जाती है। उत्बा ने कहा अरे ये खुशबू किसी बाजार की नहीं है, ये तो दरबारे रिसालत की है। ये खुशबू किसी बाजार की नहीं, ये तो दरबारे रिसालत की है, फैज़ रिसालत है ये। बात दरअसल ये है कि मैं 4-5 साल का बच्चा था, मेरे जिस्म पर फोड़े निकल कर आए, खारिश की बीमारी हुई, हकीमों के पास मेरा बाप लेकर गया, कहीं इलाज ना हुआ। आखिर पैगंबर के पास मेरे अब्बा ने मुझे लेकर गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे के जिस्म पर खारिश आ गई है, फोड़े फूटे हुए हैं, जलन होता है, संभलता भी नहीं, खुजा भी नहीं पाता, दर्द लेना अगर ताकत में होता तो बच्चे के दर्द को ले लेते, आपके होते हुए क्या हमको फिक्र है या रसूल अल्लाह, जहां इलाज नहीं वो आपकी चौखट में इलाज हो जाता है, दवाओं में इलाज जहां नहीं वहां आपके नजर में इलाज हो जाता है। या रसूल अल्लाह कुछ तो मेरे बच्चे पर नजर फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने मेरे अब्बा से कहा बेटे को तेरे लिटा दे, मुझे लिटा दिया गया। फिर मेरे अब्बा को नबी ने फरमाया पूरे जिस्म से कपड़े उतार दे, क्योंकि मैं छोटा था और छोटे बच्चे के लिए वैसे कोई खास कानून नहीं होते। पूरे कपड़े उतार दिए गए, सिर्फ शर्मगाह में एक छोटी सी चादर डाल दी गई। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल मुअजिज़ात, साहिबुल मुअजिज़ात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर से लेकर मेरे पूरे जिस्म को अपने दोनों हाथों से ऐसे मला, रब्बे काबा की कसम सुना हुआ मोजिजा नहीं, उत्बा फरमाते हैं सुना हुआ मोजिजा नहीं, देखा हुआ मोजिजा, मेरा नबी मेरे सर से हाथ फेरता हुआ जा रहा है, हाथ जहां से गुजरता बीमारी खत्म है। उस वक्त से लेकर आज तक मेरे जिस्मों से मेरे नबी के हाथों की खुशबू नहीं गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
खुशबू से मोहम्मद के गुलामों का खास ताल्लुक है, खास ताल्लुक है। बीवी के पास जाने का भी तरीका इस्लाम ने बताया है। बात लंबी और गहरी हो गई, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता। मेरी माए और बहने, तुम बुरखे बुरखे तुम बुरखे का लिहाज रखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरतें तंगी करना, उस आलिमा औरत ने कहा अपने बेटे से के बेटे तुम भी सबर कर औरतों के पास जाओ। कंगी करने के बारे में बात आ गई। इस्लाम ने औरत के लिए क्या कहा कि अगर कंगी करते करते उसकी कंगी में बाल अटकते हैं, तुम तो मेरे भाइयों तुम नहीं कहता, मुझे माफ कर देना। आज का मुसलमान तो अपनी बीवी के चेहरे को जमाने के सामने पेश करता है, लिबास को जमाने के सामने पेश करता है। इस्लाम ने क्या कहा, मसला सुन लो। दुर्रे मुख्तार का हुक्म है, मसला है। औरत सर में कंगी करती है, उसके सर से बाल अटक कर कंगी में टूट जाते हैं। कंगी से निकालने के बाद फुकहा फरमाते हैं कि उन बालों को ऐसी वैसी जगह न डालो जहां गैर मर्दों की नजर पड़ती है, बल्कि उसे जमीन में दफना दो, क्योंकि औरतों के टूटे हुए बाल पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये है मजहब इस्लाम। कहां गई हमारी शर्म? मेरी माए, दिल चाहता है कि तेरे सामने हया का समंदर पेश करूं, शर्म की गहराइयां पेश करूं, तेरी इज्जत और आबरू की आसमानों को छूने वाली चोटियां बयान करूं। लेकिन तू समझती है, तुझे क्या मालूम। रब्बे काबा की कसम, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ कर दुआ करने से दुआ जहां जरूर कबूल होती है, किसी बाहया औरत का दामन पकड़ कर दुआ करने से भी खुदा दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह, तुमने हया को भी छोड़ा, तुमने शर्म को भी छोड़ा। आज अगर इस आजिज की बात आप में से किसी को समझ में आ गई, खुदारा बुरखा पहनो, जवान बच्चियों को बुरखा पहनाओ। तुम्हारे सर से भी पर्दा खिसता है, फरिश्ते रहमत के घर में दाखिल नहीं होते। मुत्तफक मसला, किसी का इख्तलाफ नहीं। सर से भी अगर पल्लू खिसता है, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तकरीबन 15 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। उसमें से एक घर वो जिस घर की औरत का सर खुला हो, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तुम बुरका पहनो मेरी माए और बहने, नमाज पढ़ो, मसला सुनो कि जिस औरत के अंदर हया नहीं उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो। आप भी नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो। मैं वही अर्ज कर रहा था, रमजान में बेनमाजी तो बेनमाजी, रमजान में नमाज पढ़ने वाले भी नमाज छोड़ दिए। इसीलिए मैंने एक मैसेज पढ़ा, बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा था मैसेज। उस मैसेज में लिखा हुआ था, रमजान खत्म हुआ, मुसलमान खत्म नहीं हुआ। रमजान खत्म हुआ, मुसलमान खत्म नहीं हुआ। बीच में आ गई बात तो अर्ज कर रहा हूं, नमाज की पाबंदी करो। कल कयामत में खुदा ये सवाल नहीं करेंगे, जलसा किया कि नहीं किया। खुदा ये सवाल करेंगे कि नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे नमाज पाबंदी के साथ, कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ। ये सच्चे हाथ उठाना, कांग्रेस के हाथों की जरूरत नहीं। क्या हबीबी साहब? जी जी, क्या भी करेंगे क्या? सब हाथ उठा देते हैं सब जी। लेकिन हाथ उठाने वालों में से 99% फजर की नमाज में जमा मुजक्कर गाई। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पता नहीं कि शमशीर आजाद और उनके दोस्तों ने किस मोहब्बत के साथ मुझे बुलाया है। दूध उबले जैसा मजमून उबल रहा,
लेकिन मेरे बाद भी कार्रवाइयां है ना, और मुझे बहुत दूर पीछे भी जाना है, छूटी हुई बातों को आपके सामने पेश करना है, दुरूद पढ़ना और पढ़ाना है आपको। वहां से यहां तक आ गया मैं। नमाज पढ़ो नौजवानों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, सही पढ़ो, अच्छी पढ़ो, पूरी नमाज सीखो पहले। मोबाइल लेता है 25,000 का, जिसे मोबाइल मालूम उसके पास आकर बार बार पूछता है कैसे ऑपरेट करूं नमाज। कभी मौलाना से पूछे, मौलाना नमाज में हाथ कैसे उठाना, नमाज में हाथ कैसे बांधना, नमाज में कब क्या पढ़ना, रुकू कैसे करना, सजदा कैसे करना, कभी पूछे आप? आप पूछते नहीं, पूछो उलमा, ऐसा आपको सिखाएंगे जैसे अपने किसी बच्चे लगते जिगर को सिखाते हैं। नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर अब चारा नहीं है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। इमामुल अंबिया ताली पर बात आ गई, नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा, नमाज पढ़ रहे थे, नबी को नमाज में कुछ भूल हो गई, पीछे से सहाबा तालियां मारने लगे, तालियां तालियां मानू मारे नहीं अभी मारे नहीं तालियां मारने लगे। पैगंबर नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया, मर्द कभी ताली ना मारे, क्योंकि औरतों को कभी किसी जरूरत पर किसी को बुलाना है तो वो ताली मार कर बुलाए, क्योंकि उसकी आवाज भी पर्दा है। लेकिन मर्द ताली न मारे, ये तो औरतों की आदत है। क्या बात है भाई, वाह। बुखारी की रिवायत है, अत तकबीरु लिर्रिजाल व तस्फीकु लिन्निसा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तकबीर मर्दों की शान है, तालियां मारना औरतों की आदत। अब सारी दुनिया ताली मार रही है। इसका मतलब है, इशारा भी आप दिए थे जी, जी। जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा वो क्या है? जैसे ही सुने तो शायद औरतें बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह बोली है, ताकि वो बताना चाहती थी हम औरत नहीं मर्द हैं जी। क्या इस्लाम है मेरे दोस्तों, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे उठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या क्या तालीमात है, क्या क्या तालीमात है। जो भी सवाल करेंगे इस्लाम जवाब देता है। मुझे एक साहब आकर पूछे, हजरत दूध पीने की दुआ आप बोले, पानी पीने की दुआ आप बोले, दूध पीने की दुआ मालूम है आप लोगों को? अरे मालूम मालूम है, नहीं मालूम है, मालूम बता, पूछ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। पानी पीने की दुआ क्या? बिस्मिल्लाह। मुझे एक साहब आकर पूछे, हजरत चाय पीने की दुआ क्या? मैं परेशान हो गया, अल्लाह हुजूर के जमाने में ना चाय थी ना चाय वाला था। आहा, ये अच्छा, क्या हवा, न चाय थी न चाय वाला था। अब इसे मैं जवाब दिया तो मौलवी, नहीं दिया तो मौलवी नहीं। अल्लाह ताला फौरन मेरे जहन में जवाब दिया। मैंने कहा कि भाई तू चाय को गौर से देख, चाय में दूध ज्यादा रहा तो दूध की दुआ पढ़। क्या बात है, दूध कम पानी ज्यादा है तो पानी की दुआ पढ़। क्या अगर ये भी तरीका तुझे समझ में नहीं आया तो और एक तरीका देख, सास के घर में चाय पिया तो दूध की दुआ पर, क्योंकि दामाद है ना, दामाद खालिस दामाद को क्या बोलते, दामाद ही बोलते, दामाद जी है ना, बाबा फिरौन के पोतरे। दामाद की चाय को भी गाड़ी बनाना, सास के घर में अगर दामाद की चाय अगर ज्यादा दूध वाली ना हो, जिसे हमें गाड़ी बोलते, यहाँ क्या बोलते, गाढ़ी, गाढ़ी बोलते, अरे वाह, गाढ़ा बोलते, गाढ़ी चाय होना, उसमें अगर पानी ज्यादा दूध कम रहा तो फिर समझो बहू का जिंदा जनाजा उठता है। क्या बात, वो दामाद से ज्यादा हल्का कमीना कौन होगा जो अपने सास के घर की चाय का तस्करा अपनी माँ के घर में करता है। अल्लाह, झूठ बोलना जायज है? अरे मुंडी तू भी हलाओ बाबा,
झूठ बोलना जायज है नहीं है ना, पक्की बात। कभी मौलाना बोले क्या आपको झूठ बोलो बोलकर, कभी ये मौलाना बोले क्या झूठ बोलो बोलकर, कभी ये मौलाना बोले क्या झूठ बोलो बोलकर, लेकिन आज मैं बोलता हूँ झूठ बोलो। लेकिन कहा किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को सच बोलने से ज्यादा पसंद है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को सच बोलने से ज्यादा क्या है, पसंद है। अगर अम्मा पूछी तेरे ससुराल में चाय कैसी थी, क्या बोलना, गाढ़ा थी बोलना, क्या बोलना, गाढ़ा। वो चाय पीने के बाद पेट में दर्द हो रहा है मम्मी क्योंकि गाढ़ा थी ना, हालांकि पतली थी। अखलाक सीखो, अच्छे बन जाओ। माँ बाप बच्चों की तारीफ करते हैं तो बच्चे सही नहीं, सास ससरे, यहां भी सास ससरे ना बोलते, सास ससरे अगर जवाई की तारीफ करते हैं मैं समझूंगा कि बहुत करीब है ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होने। क्या बात, लंबी बात करना नहीं है, दो चार मिनट में बात खत्म कर दूं, लेकिन अमल करो मेरे दोस्तों, अमल करो। अमल नहीं कुछ भी नहीं, अमल है तो सब कुछ है। आज दुनिया में मुसलमान जलील क्यों, इसलिए कि अमल नहीं है। जब उम्मत के पास अमल था उम्मत कामयाब थी, उम्मत सारी दुनिया में कामयाब थी। आज अमल क्या, जोर से पढ़ो ये आवाज भी हमारी बाहर नहीं निकलती, पढ़ो दरूद पढ़ो, मई काम को छोड़ो। आज बमड़िया मार रहे हैं हमारे कर्नाटक में तो बहुत ज्यादा, मईक में आजान नहीं होना, मईक में आजान नहीं होना बोलकर हमारे कर्नाटक में चल रहा है जी। मैंने एक्स पीएम देवेगौड़ा जी जानते होंगे, अभी करीब में रमजान मुबारक में एक राशन किट का मसला था, उसमें वो भी आए थे, मैं भी आया था, साफ साफ उनको निशाना बनाते हुए कहा हो सकता कि आपके गाँव के मौजन साहब बड़ी अच्छी अजान देते होंगे, अजान अच्छी देना, सीखो आप लोग भी अजान सीखो। समझ में आई बातें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह माशाल्लाह। मैं तो बहुत सादी सीधी दे रहा हूं, इससे भी अच्छी अजान देने वाले ही, ऐसी अजान देना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ये गैर मुस्लिम सोचना, इतनी प्यारी अजानें आवाजें हमारे मंदिरों से क्यों नहीं आती। फिर नतीजा निकालना, जब अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या होगा। जी मैं आंध्रा को गया था, दिल खैराबादी साहब भी जाते हैं गुंटूर के पास, ये वाकिया बोल दूंगा गौर से सुनना। एक गांव में एक ही एक मस्जिद, 100 घर थे, एक ही एक मस्जिद थी, उस मस्जिद का अजान का निजाम बंद हो गया, 6-7 दिन मईक में अजान नहीं। उस गांव के गैर मुस्लिम आकर मस्जिद वालों से पूछने लगे कि आखिर अजान क्यों नहीं हो रही है। मस्जिद वालों ने कहा कि आमली फेर खराब है, शहर को जाकर लाना है। तो फौरन गांव के गैर मुस्लिमों ने क्या किया, गांव के गैर मुस्लिम सब चंदा वसूल करके एक जबरदस्त हाई पावर का आमली फेर और मईक लाकर मस्जिद को दिए, लाकर दिए। सुनो और आगे सुनो, तो मस्जिद के जिम्मेदारों ने, अब इनकार तो नहीं कर सकते, मिलकर रहना है मुल्क में हम लोगों को, और मिलकर भी है, ये बीच में कुछ लोग आ गए हैं शरीर, इनको हाथ से नहीं पांव से हटाना, समझ में, इन लोगों को हाथ से, ये इतने लायक नहीं कि इनको हाथ से हटाए, इनको पैर से हटाना चाहिए,
वो भी सीधे पैर से नहीं, बाएं पैर से हटाना चाहिए इन लोगों को, इतने कमीने और गलीज हैं। वरना हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। इस वतन के दहशत दर सब फिजाए एक है, इस वतन के दहशत दर सब फिजाए एक है, सारे भाई सारी बहने सारी माए एक है। यहाँ ये भाई बहन का रिश्ता बनाते वक्त बड़े गौर से बनाना, तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, तुम्हारी बहन हमारी बहन, याद कट जर्रा आगे बढ़कर तुम्हारी बीवी हमारी बीवी गया। समझ में आई बात है। इस वतन के दहशत दर सब फिजाए एक है, सारे भाई सारी बहने सारी माए एक है। आज भी 80-90% हिंदू मुसलमान मिलकर हैं, कुछ 5-10% हिंदू भाइयों का दिल खराब है। ये दिल खराब नहीं, ये दिल कितना अच्छा है देखो। दिल खराब है, खुदा ही से दुआ करो कि इनके दिलों को खुदा पाक करे। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं इनके दिलों को खराब सही कर सकते। लाकर अमली फेर दिए, मेरे पास पक्का सबूत है, मस्जिद वालों ने लिया और देने वाले हिंदू भाइयों को पूछा आपको क्यों इतनी जल्दी अजान की। वो हिंदू भाइयों ने कहा कि जब से हमारे गांव की फजर की अजान नहीं हो रही है उस दिन से हमारे घरों के गायियां दूध कम दे रही है। अजान का असर खेती बाड़ी में पड़ता है, अजान का असर मवेशी जानवरों पर पड़ता है, अजान का असर सेहत और सलामत पर पड़ता है। बंद करना है तो बंद करे, फिर चंद दिन नहीं गुजरेंगे, अभी कोरोना से दुनिया संभल नहीं पाई, अजान बंद करके किस खुदा के अजाब को तुम दावत दे रहे हो। इतना प्यारा अंदाज, इतनी प्यारी अजानों को तुम बंद करते हो, जिसके जुमले कितने प्यारे हैं, जरा सुनो। मैं दे रहा हूं आपको इतना मजा दे रहा है, हबीबी साहब दे, दिल खैराबादी साहब दे, तो क्या मजा मिलेगा। आप भी चाहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन حي على الصلاة अरे माशाल्लाह तो बोलो। माशाल्लाह, बंगाल की नजर बड़ी खराब है, अगर लग गई ना मुझे काली मुर्गी नहीं काला बकरा उतारना पड़ेगा। क्या हबीबी साहब? जी जी, काला बकरा उतार। حي على الفلاح वाले को मक्का मदीना याद आ जाए। आजकल ऐसी अजाने देते हैं वो मई के मोजन साहब वाली साहब फरमाते हैं, मुंह में बेरिंग नहीं, बेरिंग मतलब दाता नहीं, घर गेट आउट, खबर वेलकम की उम्र, 1,500 रुपए में पूरे 150 वक्त की अजाने महीने के 5। अब वो मौजन साहब अल्लाह ऊपर एकदम सही है। वाह, यही हो रहा है अक्सरियत। हया
सुलो, पहले से सुलो हो गया मुसलमान। इसे अजान बोलते हैं। इसे अच्छी तनख्वाह देना, अच्छा माइक सिस्टम रखना, तब अजान देंगे। मोदी जी भी सुनेंगे ना अंकल, क्या बोलेंगे मालूम? भाई बहनों, भाई बहनों, हमने ये फैसला किया है हमारे इस मुल्क भारत में 5 टाइम की नहीं, कल से 10 टाइम की अजान होगी। बोलो हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कसम अल्लाह की, सच्ची अजान पेश करेंगे तो दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा जी। आपको भी अल्लाह अच्छी अजान देने की आवाज दिया है, आप भी सीखो, सीखेंगे इंशाल्लाह। पढ़ो 1-2-4 मर्तबा दरूद, में अपनी बात खत्म कर दूं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। सुबह को 100 मरतबा दरूद शरीफ, शाम को 100 मरतबा दरूद शरीफ। कौन कौन पाबंदी से पढ़ेंगे हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरा, अपने घर की औरतों को कौन कौन बुरखा पहनाएंगे हाथ उठाओ। सच्चे इंशाल्लाह, कभी जलसे के लिए नहीं, शमशीर से मैं बात करूंगा। कभी इधर गुजर हो जाए तो इंशाल्लाह मोहब्बत से कभी आ जाऊंगा तो देखूं कि यहाँ की हर औरत अगर किसी काम से बाहर निकले तो बुरके की हालत पर रहेगी इंशाल्लाह। नमाज की कौन कौन पाबंदी करेंगे हाथ उठाओ। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।